अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने अपनी मुर्गियों को खोला हुआ है, तो मैंने सोचा कि हम अपने कबूतरों को भी बाहर निकालते हैं ताकि वो भी बाहर घूम फिर लें, और उनके पिंजरे के अंदर एक रेट भी रखते हैं ताकि वो उसके अंदर अंडे वगैरह दे सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल बर्डिंग सिटी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, माशाल्लाह इस मुर्गियों को खोला हुआ है, यहाँ पर दाना वगैरह गिरा और मुर्गियाँ यहाँ से दाना वगैरह खा रही हैं, और ये मैं अपने कबूतरों को ही पकड़ के बाहर निकाल देता हूँ। इन्होंने खुद बा खुद बाहर नहीं आना। ये है हमारा कबूतर और ये हमारी कबूतरी। ये देखो माशाल्लाह से बाहर आ गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मुर्गियों से नहीं डरेंगे, तो इन्हें 10 मिनट बाहर छोड़ते हैं ताकि ये हमारे घर के पक्के हो जाएं। ये देखो चूज़ा इसके पास है और नहीं डर रही है माशाल्लाह। तो दोस्तों, ये देखें, ये वाली जो हमारी मुर्गी है ये हमारे कबूतरी को मार रही है। तो मुर्गियों को मैं बंद कर देता हूँ ताकि ये इन्हें तंग ना करें। ये खुद ही घूमते फिरते रहते हैं, देते मुर्गियों को तुम ये तक बंद कर देता हूँ। और ये जो हमने पौधा इधर रख दिया है ना, गलती कर ली है, यहाँ पर ही आई रहती हैं हमारी मुर्गियाँ। तो दोस्तों, हमारे कबूतरों ने ये वाला दाना नहीं खाया, तो ये दाना मैं मुर्गियों को पिंजरे के अंदर डाल देता हूँ ताकि हमारी मुर्गियाँ खा लें और दाना ज़ाया ना हो। इन्हें मंदिर भेज देते हैं ताकि ये सारा दाना खा लें। तो दोस्तों, ये वाला जो लकड़ी का क्रेट है इसे हम पिंजरे के अंदर रख देते हैं। इसके अंदर मैं चावल का छिलका डाल दिया ताकि कबूतर इसके अंदर आराम सुकून से बैठ सकें। इसे इस कोने में रख देते हैं, इंशाल्लाह हमारे कबूतर यहाँ पर अंडे वगैरह देंगे। तो शाम हो चुकी है, अब मैं कबूतरों को बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह से सीधा पिंजरे के अंदर आए हैं, तो इन्हें आप बंद कर देते हैं और मुर्गियों को भी बंद कर देते हैं, और अपने तोतों के पिंजरे के अंदर चलते हैं कि उन्होंने अंडे वगैरह दिए हैं या नहीं। हमारी तोती ने उसने 2 अंडे दे दिए थे। तो दोस्तों, माशाल्लाह से हमारी जो ब्लू वाली फीमेल है वो आज भी डब्बे के अंदर है, और ये माशाल्लाह से जो हमारा तोता सामने बैठा है इसके देखते कितने ज़्यादा रंग है, रंग बिरंगा हमारा तोता है माशाल्लाह से। और ये वाला जो तोता है हमारा, इसकी ग्रीन वाली तोती ने अंडे दिए हुए हैं, तो डब्बा भी हल्का हल्का ही ले रहा है। इससे पहले मैं सही तरह से कील लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी तोती ने कितने अंडे दिए हैं। तो सबसे पहले मैं डब्बे को कील लगा लेता हूँ। तो ये देखें हमारी तोती बाहर आ गई है, ये देखें। तो दोस्तों, माशाल्लाह से हमारा डब्बा बिल्कुल सही हो गया, कील वगैरह मैंने लगा दी, और ये वाला जो हमारा तोता है ये डब्बे के अंदर जी आंख रहा है। तो अब मैं देखता हूँ कि हमारी तोती ने कितने अंडे दिए हैं। तो दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह से हमारी तोती बैठी हुई है, माशाल्लाह से इसने एक और अंडा दे दिया है। ये वाला जो अंडा है ये वाला इसने आज या कल अंडा दिया है, ये जो दरमियान के अंदर पड़ा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बहुत जल्द 4 से 5 और अंडे दे देगी। इसने 4 दिनों के अंदर 3 अंडे दे दिए माशाल्लाह से। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बर्डिंग सिटी को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।